नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा में प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्थी निकाल रहे मिर्ची बाबा और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। अर्थी लेकर निकले मिर्ची बाबा से पुलिस ने अर्थी छीन कर नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि गौशालाओं में अव्यवस्था के विरोध में मिर्ची बाबा कांग्रेस समर्थकों के साथ अर्थी यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के कारण इनके अरमानों में पानी फिर गया, जिसके बाद मिर्ची बाबा ने जमकर विरोध किया और समर्थकों के साथ पैदल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को श्री श्री 1008 स्वामी महामंडलेश्वर आचार्य वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा रीवा पहुंचकर जिले की 5 गौशालाओं का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने देखा तो उन्हें काफी अव्यवस्था मिली, जिसके बाद मिर्ची बाबा भड़क गए और सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा डाले। वहीं इसके विरोध में मिर्ची बाबा मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ मानस भवन से प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार की अर्थी की यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन उनके अरमानों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। काले चौराहे के पास ही अर्थी लेकर निकलने से पहले अर्थी को नष्ट कर दिया गया। इस दौरान बाबा के साथ ही उनके समर्थकों और पुलिस के बीच में काफी झड़प हुई, काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद बाबा अपने समर्थकों के साथ पैदल ही कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा है। मिर्ची बाबा ने कहा कि पुलिस संविधान की दृष्टि से कहां काम कर रही है, वो तो शिवराज के इशारे में काम कर रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाया। मिर्ची बाबा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गौ माताओं की सड़कों में हत्या कराने का गंभीर आरोप लगा दिया। बाबा ने कहा कि गौशाला में गाय नहीं ताला बंद है और गाय के खाने के लिए ना तो चारा भूसा है, ना ही देखभाल करने वाला खर्च की राशि। ये राशि भाजपा नेताओं के खजाने में जा रही है। जंगल, जमीन, गाय और भगवान राम के सहारे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठकर राम के नाम पर चंदा खाई है और गाय के भोजन का पैसा खा रही है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि जल्द ही गौशाला में गायों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया जाए। उस साइड जल्दी आओ चिंता है आपको, आप चिंता कह रहे हो, चिंता होती तो कल आप मेरे तेरा अखाड़े इसलिए बैठेंगे। आप अंदाज लगाइए कि रीवा जब मैं भ्रमण पे आ रहा हूँ, प्रशासन को खबर दे रहा हूँ और खबर देने के बाद जहाँ गौ मरी है वहाँ मैं फोन लगा रहा हूँ। राज भाई, अपना अंदर
हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आप गाँव की रक्षा जरूर करें। मेरा आपसे एक मैं आशा करता हूँ कि आप गाँव की रक्षा करेंगे और गौ को घास पहुँचाने का ठोस। मेरा ये था कि 6 महीना से रीवा जिले की किसी भी गौशाला में पैसा नहीं पहुंचा है। दूसरा, वहां पानी की व्यवस्था नहीं, घास की व्यवस्था नहीं, गाय भूख से तड़प के मर रही है। एक गौशाला में 10 गाय भूख से तड़प के मर गई, प्रशासन उस पर सुनवाई नहीं करता है। और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह झूठी घोषणा करते हैं कि गायों को पैसा पहुँच रहा है। तो इसके लिए रीवा जिले में मेरा भ्रमण था, सारी गौशाला का भ्रमण किया है और गाय को प्राप्त अवस्था में घास पहुँचे। वर्तमान सरकार 50 रुपये रोज गाय को दे और केंद्र सरकार शीघ्र से शीघ्र गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे, जिससे कि हमारे देश की गाय बच सके। आप अर्थी लेकर निकले थे, पुलिस ने रोका और अर्थी को छीन लिया। अर्थी को इसलिए छीन लिया, पुलिस संविधान की दृष्टि से काम कहाँ कर रही है, शिवराज के इशारे पर काम कर रही है और शिवराज के इशारे पर काम किया जाता है। जो भी सच समाज में लाना चाहता है उस पर झूठे केस ला दिए जाते हैं, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है। पुलिस ने आपको रोका और? अरे पुलिस ने रोका क्या, पुलिस ने तो मेरे साथ में जो व्यवहार किया वो ठीक थोड़ा ही था। ये कागज रखे हैं जो पूरी मीडिया देख रही है, 6 महीने से इन गौशालाओं में पैसा नहीं पहुँच रहा है। ये पैसा पूरे भाजपा के पेट भरने में लगा, भाजपा फार्म हाउस बना रही है। वहाँ जा कर के मीडिया देखे, वर्तमान स्थिति गौशाला में देखे और फिर कहे कि गाय मर रही है या नहीं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।